हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 9th जून 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले टाटा स्टील में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन टाटा स्टील में हमें 1.71% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1086.75 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे मैं कहूँ तो बहुत ही छोटी सी कैंडल हमें देखने में मिल रही है और दोनों साइड में छोटी छोटी विक भी है देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, 44-45 के आसपास हमारा RSI आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है यहाँ पे हमें जरूर एक नेगेटिव मूवमेंट जो देते हुए देखने मिल रहा है। सबसे पहले स्टॉक जो है यहाँ पे 1061 तक गिरते हुए देखने मिलेगा। अगर यहाँ पे उसको क्रॉस करते हुए हमें क्लोजिंग देखने मिली तो यहाँ पे इवन 1033 तक गिरते हुए भी देखने मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टॉक में अभी भी ट्रेंड जो है नेगेटिव है, थोड़ा सा यहाँ पे आप स्टॉक में लॉन्ग के लिए ना जाए, यहाँ पे जितनी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखने मिले उससे ही सिर्फ और सिर्फ जो ग्रैप करे, क्योंकि जब तक यहाँ पे जो 50 MA के ऊपर मतलब 1180 के ऊपर जो स्टॉक ना जाए तब तक यहाँ पे हमें कोई भी लॉन्ग पोजीशन जो है नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग अभी भी जो है रिस्की रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आपको जितनी देखने मिले उसी को आप ग्रैप करें और फिर वहां से जो आप अपना ट्रेड ले। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी सारे के सारे सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन मार्क्ड है। हमें बस एक नया डेटा देखने मिला, बस उसी को एक को मार्क करना है। बाकी यहाँ पे सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा मिडिल में लेके आता हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग आप देख सकते हैं 1086 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा 1069.80 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 1086.40 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जो आप उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट जोन और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1050 का, उसके बाद क्या आता है 1039 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद क्या अगला रेजिस्टेंस आता है 1100 का, उसके बाद क्या आता है 1111 का। तो यहाँ पे मैंने जो 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं जरूर जो आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ
मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में नेगेटिव क्लोजिंग का है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बहुत ही पास में 0.20 भी नहीं 0.15 के यहाँ पे पास में जो है क्लोजिंग हुए, इसलिए हमें थोड़ा सा कॉशियसली जो स्टॉक में कल के दिन प्री ओपन मार्केट में किस तरह से परफॉर्म करता है वो देखना है, और फिर ओपनिंग हमारी जो किस तरह से होती, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग जो है मुझे हाई चांस लगता है अगर ऊपर भी हुआ तो ओपनिंग से हमें थोड़ा सा नीचे स्टॉक गिरते हुए देखने मिल सकता है, और यहाँ पे एकदम ही न्यूट्रल सी क्लोजिंग, लेकिन मुझे लगता है फिर भी एक नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने मिल सकती है। बाकी मेरा ओपिनियन कल के लिए जो नेगेटिव का है, आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।